ये मैं पहले चल रहा हूँ जूता पहन के, इसके भी मैं टैक्स भरता हूँ रोड पे, मैं जानता हूँ। सुन लो पहले बात ध्यान से, ये वो लोग हैं जो 2014 में पैदा हुए, ठीक है, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे शेर के, बांग्लादेश बना दिया था, पता आपको? हिस्ट्री पढ़ के आयो? नहीं मैडम, मैं आप नहीं बोलूंगा। पढ़ रहे हो आप? अभी नई जनरेशन पढ़ रहे हो? ठीक है, ना 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 ना, नहीं पता, नहीं पता भाई, जवाब नहीं दे पा रहा तो क्या पता है, पढ़ा लिखा भाई है, पता उसे नहीं पता, भाग गए मोदी के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, काफी अच्छे होंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ना, टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और पूरी वीडियो को सीधा आप लोगों को दिखाते हैं। माहौल तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ऐसा माहौल है बता दीजिए, एक नंबर का माहौल है। यूँ कह रहे हैं जी, मोदी जी घर में आकर भाई फरमाएंगे, कांग्रेस सरकार घर में आकर पहले भाई फरमाती थी। आपने कहा, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे घर में आके वाइपर मारे, इन्हें ना इन्हें ना सुनने में ना कमी आ गई है, मोदी जी के भक्त ना, कान और बुद्धि दोनों खत्म है, कान और बुद्धि, कान और बुद्धि दोनों खत्म है। सही है, हमारी तो सही है भाई। पता क्या तू कह रहा, मोदी जी एक, सुन पहले सुन, मोदी जी ने तूने कहा दूध के थैले पे एक रुपए बढ़ा देंगे, 33 करोड़ जनता है, 5 किलो राशन तो अपने घर से दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए अपने किसी को दे दे, मान जाऊंगा तुझे कांग्रेस का। एक मिनट, इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए, इन्होंने ये कहा कि 10,000 रुपए दे दो, ठीक भाई मैं 10 नहीं, मैं 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है, गरीब जितने भी रोड पे सोने वाले, ठीक है, मैं 20 दूंगा, ठीक है। और मोदी जी क्या ये वादा करेंगे, जितने भी गरीब है और जितने भी रोड पे सोने वाले आदमी है, जो भी जिनके पास भी घर नहीं है, मुझे ना दे, जो मतलब कि बेरोजगार है, लाचार है, जिनके हाथ पांव नहीं है, उन्हें दे दे वो, दे रहे हैं घर, क्या दिया नहीं है, किन्हें दिया है, 2.5 लाख रुपए योगी मोदी सरकार दे रही है घर बनाने में, 2.5 लाख रुपए तू अपने घर से दे रहा मेरा भाई, तो भाई 2.5 लाख रुपए किसे मिल रहे हैं भाई, जो मोदी है भाई, इसीलिए तुम्हें के पक्ष में बोल रहे हो ना, बोलेंगे जो हमें तो नहीं मिला भाई, लेकिन जब बीजेपी सरकार ने क्या उससे बड़ा मुझे कोई काम लगता नहीं, क्योंकि देखो क्योंकि मैं क्या अच्छा लगता है पीछे को जा चौड़ मत, मैं बता रहा हूँ बीजेपी का सबसे बड़ा काम 2012 में 51,000 करोड़ रुपए था देश पर कर्जा, आज के टाइम में 152,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया, मतलब 70 साल में हुआ 52-53 हजार करोड़, और 8 साल में 3 गुना बढ़ गया, वो किससे जाएगा, वो कोई नेता मजदूरी करने जाता, वो तेरी मेरी जेब से जाएगा, तुम्हारे मेरे, तेरा मेरा हक है वो, हाँ बिल्कुल हक है, देखो तुम्हारा मेरा हक कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, क्या सरकार की सरकार के पास इतना पैसा है कि वो अपना सारा पैसा लगा के, पहले पॉइंट सुनो, सरकार के पास, मैं कह रहा हूँ इस सरकार के पास क्या इतना पैसा है वो कि सारा पैसा अपने उसमें बांट दे, ये जैसे हम रोड पे खड़े हैं, पहला पॉइंट, जैसे हम रोड पे खड़े हैं सरकार अपनी जेब से नहीं लगा रही है, क्योंकि आने जाने हम लोग भी वाली हैं, क्या GST काट के उसके वो पैसा उसमें नहीं जा रहा है, इसलिए कट रहा है पैसा, इसीलिए कट रहा है, क्या वो अपनी जेब में रख रही हो तो बात बताओ भाई, ये जो रोड चल रहा है ना, एक किसी गाड़ी वाले से पूछ जाके और 225 रुपए टोल टैक्स है, फ्री में नहीं चल रहा कोई भी, तो किसी पैसा सुनो सुनो भाई, मेरी बात सुन, सुन तो भाई, बड़े भाई सुन लो पूरी बात, मैंने जो 20 लाख की गाड़ी खरीदी है ना, तो 36% टैक्स है, पहले 100 रुपए किराया लगा, 50 रुपए किराया लगा, 100 रुपए लगाया, अरे सरकार काटे करी, हाँ अगर जो मेरे पेरेंट्स है और मैं इतने मैच्योर नहीं हो जाता, अपने पैर पर खड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी उनकी बनती है, और सरकार को हम इसलिए चुनते हैं, ठीक है ना, अपने लिए, हमारे लिए काम करे, अच्छा काम करे, हमें एजुकेशन अच्छा दे, हेल्थ अच्छी दे, और हर चीज़ जो ना, हर चीज़ जो भी तुम खरीदोगे सबसे टैक्स दे सरकार, तो उसका दायित्व बनता है कि हमारे लिए काम करे, अच्छा काम करे, तो आपके लिए काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, रोड पर टैक्स देकर नहीं चल रहे, हम फ्री में चल रहे हैं, टैक्स ले आप एक बार, आप बाइक लेके आ रहे हो, बाइक पर 8% टैक्स दे के आ रहा हूँ, चलो मान लिया हमने एक बार में जमा हो गया, जो टैक्स है ना, स्टेट का टैक्स अलग, सरकार का टैक्स अलग, और जब लेके आएगा उसका टैक्स अलग, अब महीने का टैक्स अलग, साल का टैक्स अलग, इसका टोल टैक्स अलग, इतना टैक्स लगा टैक्सी पे, मेरे घर में चला टैक्स, एक दूसरी तुमने टैक्स की बात करी, टैक्स क्यों, जब एक बंदे ने एक बार गाड़ी ले ली 20 लाख की गाड़ी ली 4 लाख तुमने टैक्स काट लिया, तो बात में खत्म हो जानी चाहिए, फैमिली वाला हूँ भाई मैं, और आए मेरी दुगने मेरे पास एक बच्चा है, 22,000 रुपए कमा रहा हूँ, पहले जहाँ 7,900 कुछ सैलरी मिलती थी, क्या सर, जब योगी सरकार से पहले मिलती थी भाई, साल बता भाई साहब, ऐसे याद नहीं रहता, 4-5 साल हो गई होंगी, पहले 9 साल हो गए, किसी को एक संग काम कर दोगे, बच्चा एक संग एक एक धीमे धीमे बड़ा होता है, एक संग बड़ा नहीं होता है, एक संग तुम बेच तो दोगे ना, एक संग 70 साल में तुम 9 साल में आते बेच तो दोगे, चीजें क्या बेच दिया, क्यों नहीं बेचा, क्या नहीं बेचे, एयरपोर्ट किराए पे दे दिया, लाल किला किराए पे दे दिया, ताजमहल की बात चली, क्या नहीं बेचा, सारा कुछ बेच दिया, अजी इनके कहना चाहिए हमारे, क्या जनता कहेगी भाग गए मोदी के पास, अजी कहाँ से भाग गए, हम तो यहीं खड़े हैं, हम तो यहीं रहने वाले हैं, क्या भाग गए, हमने कुछ नहीं बिका, जो हमारे सामने है बहुत बढ़िया है, अच्छा देश में कर्जा कितना है मुझे ये बता, अरे कितना भी हो हमें पता है, हमारा जो हमारा संग हुआ है वो बहुत बढ़िया है, आप मुझे ये बताइए देश में अभी कर्जा कितना और पहले कितना था, ये कर्जे के बारे में हमें तो पता नहीं है, भाई अपने पापा कितना कर्जा है आप बता दीजिए, चलो बेटे का फर्ज बनता है ना देने का, आप बता दो भाई साहब, मैं तो बता दिया, मतलब आपको पता नहीं, हमें नहीं पता, चलिए भैया ने नहीं पता देश में कर्जा कितना, मैंने बता दिया 156,000 करोड़ के करीब, मैं पहले कितना बढ़ गया, पहले 51,000 करोड़ रुपए था,
2012 से अब कहां से ऊपर पे आ गया आईआईटी, ये आईआईटी खड़गपुर फलाना ढिमकाना सब ये कांग्रेस सरकार बनी है। गरीबी में कितने दिन कितने नंबर पे भाई भुगड़ी पहले 109 में एक नहीं मानता अभी रेलवे स्टेशन मेरे साथ चलो तुम मैं देखो कितनी भुखमरी है। अजी ये तो योगी उसकी कांग्रेस सरकार में भी थी तो तुम कैसे करो इसमें कम हुई है हम इसमें मान सकते कम हुई है। जो आंकड़े है जो आंकड़े है वो फिर घट क्यों नहीं रहे बढ़ क्यों रहे हैं घटने चाहिए ना जाके देखो क्यों घट रहे हैं भाई। मैं लॉजिक से बात करो तुम एकदम ना लॉजिक से बात करो एकदम लॉजिक तुम पढ़े लिखे हो चलो किसी अनपढ़ से तो मान ली चीजें एकदम लॉजिक से बात करो कि हाँ भाई ये चीज है लॉजिक से मैं देखूं एकदम गूगल पर कि हाँ भाई ये चीज राइट है वो चीज हाँ मैंने तुम देखो मुझे तो पता है नहीं मैंने देख ली मुझे 125 देश में 119 18 नंबर पाता हमारे देश जब से आपसे पहले 84 पे था तो बढ़ चुका है घटना चाहिए ना जब बेरोजगारी भुखमरी कम हो रही तो घटना चाहिए ना वो तो 50 पे 5 पे 6 पे 7 पे आना चाहिए ना 3 पे आ गया 9वें नंबर से देश पे बढ़ के तरक्की हुई है ना किस चीज पे आ गया भाई एक बात मुझे बता दो समझ में नहीं आ रहा किस चीज पे आ गया क्यों हर चीज में आ गया भाई एजुकेशन में आ गया मिला के एक चीज होती है जीडीपी आर्थिक व्यवस्था किस चीज पे आ गया नंबर वन पर नंबर टू पे देश पे आ गया क्यों समझ में नहीं आ रही मुझे ऐसे बात एक आंकड़ा होता है सरकार का खुद का मुझे वो चीज से बताओ तुम किस तरीके से मैं इंसान हूँ जो मेरे सामने है पब्लिक को पता होना चाहिए अपने अपनी चीजों का अपने हक का क्या तो वही तो मैं कह रहा हूँ नहीं पता भाई जवाब नहीं दे पा रहा तो क्या पता है पढ़ा लिखा भाई पता उसे नहीं पता बता दीजिए ना जी क्या नहीं पढ़ रहा यहाँ पे मेट्रो आ गई है एजुकेशन आ गई है कौन से नंबर पे देश जीडीपी आर्थिक व्यवस्था में कितने नंबर पे देश है हमारा तुम बताओ आर्थिक व्यवस्था में ठीक है तीसरे नंबर पे ही है बस तीसरे पे भी नहीं चौथे पे है ठीक है यूएस के यूएस रशिया चाइनीज ठीक है उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है क्या बात कर रहे हो चल चाइनीज ठीक है वो लद्दाख से लगा के 20 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया करता अब चाइना क्यों नहीं आगे बढ़ता अब भी कर रहे हैं अभी भाई जवान मार देते हमारे गलवान में अरे भाई जवान मार देते भाई साहब नहीं भाई जवान मार देते तो मुंह और जवाब भी दिया है उन्हें मुंह और जवाब भी दिया है क्यों बताओ क्या जवाब दिया बताओ बताओ ना क्या जवाब दिया पाई हुई है सारे चाइनीज पीछे पीछे भागते हैं मैं तो मर गए वहां उन्हें अलाउ नहीं करा मैं अलाउ नहीं करा चौड़ी छाती 56 इंच की बैंक कहते बमगोले मार दो वहां पे क्या चीज की कमी हमारे पास तो चाचा अरे अभी 6-7 महीने पहले की बात है चाचा चाचा अभी अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई थी ठीक है अब 2-3 महीने खींची थी वो जवान कारगिल की लड़ाई में कांग्रेस तो ऐसी थी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देते चीर के बांग्लादेश बना देता पता आपको उसको बता दिया ना कांग्रेस ने कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आयो नहीं मैडम मैं आप नहीं बोल रहे हो आप अभी नई जनरेशन पढ़ रहे हो ठीक है नहीं पता मणिपुर के वो लोग है जो 2014 में पैदा हुए ठीक है क्या बातें करें जिसे पता ही नहीं अपना भी अपने घर में क्या हो रहा है उसका देश को क्या देश में क्या पता होगा बॉर्डर पे क्या पता होगा ऐसे आदमी से मतलब निकलो जी नहीं पता मोदी जी 5 किलो राशन देके ना रास थैले के जैसे लटका देते ऊपर में ऐसे करके बस मैं कौन सुनो देश बिक जाए देश गुलाम हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इन्हें सिर्फ 5 किलो राशन मिल जाए और ऐसे देंगे चलो भैया हमें 5 किलो राशन मिल गया मुझे अपनी मेहनत से संतुष्टि मिलती है देश बिक जाए मुझे सुरक्षा के ऊपर पहले बात सुनो हवाई अड्डा बेचा स्टेशन बिका किसको बेच दिया नहीं बिका अरे भाई साहब घर वर जाते नहीं हो क्या बीवी बच्चे हैं नहीं है मोदी जी आपको पता है ये नोएडा बनाया किसने बनाया नोएडा ये भी कांग्रेस बनाया राजीव गांधी ने 1985 में 1985 पता आपको नोएडा सुनो मेरी बात नोएडा के बारे में बताऊं अगर नोएडा आज नोएडा ऐसा नहीं हो तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।